हमारे साथ लव सेक्स और धोखा टू की सारी टीम यहाँ मौजूद है, ऑलमोस्ट ऑल द लीड एक्टर्स एंड दिवाकर बैनर्जी हिमसेल्फ हु इज मेड दिस फिल्म. वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिवाकर सर फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी. लार्जली आई एम इंट्रीग्ड बाय द फैक्ट दैट अ सीनियर डायरेक्टर लाइक यू इज मेकिंग अ फिल्म ऑन सच अ यंग सब्जेक्ट, समथिंग विच इज हैपनिंग टूडे, लाइफ इन द टाइम्स ऑफ इंटरनेट और लव इन द टाइम्स ऑफ इंटरनेट. How do you do this? I mean, do you get youngsters to give you inputs or is it entirely your baby? No, first of all, I'm a big voyeur. So, मैं चोरी छिपे वो होता है ना कि वो चाबी की जो चाबी का जो छेद होता है वहाँ पे आप उंगली लगा के देखते रहते हैं अंदर क्या. तो मेरी आदत है, तो मैं पिछले LSD के बाद पिछले 10-12 साल जो भी मैं मतलब जो इंटरनेट का जो मैं देख रहा हूँ और इंटरनेट लाइफ हमारी जो हो रही है जो मैं देख रहा हूँ और धीरे धीरे पिछले 7-8 सालों में हम जो अपनी जिंदगी वर्चुअली जीने लगे वो जो मैं देख रहा हूँ, जब मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, जब अपने भांजों भतीजों को देख रहा हूँ और जब उनकी गेमिंग देख रहा हूँ और जब उनके आपस में जो उनकी बातें चलती हैं वो देख रहा हूँ, तो उन्हीं से ये फिल्म आई, उसी से ये फिल्म आई. बोनिता, यू सीम टू बी ऑल ओवर ऑन द ट्रेलर एंड एवरीवेयर लार्जली. And tell us about your journey. How does this, I mean, the first transgender in Bollywood, right? Yeah, it is, because last I happened to see a play by Mahesh Bhattu. He had presented it. It was Saat Chalis Ki Last Local. There a transgender was telling her own story. But in a full feature film, right in the center, we haven't seen. So tell us about your journey, how tough it has been, how, if I can use the word, awkward it has been, and how you overcame all the obstacles. Journey in my personal life or journey to the LSD team? Personal life first. Well, of course, शुरुआत में तो बहुत ही full of struggle रहा है, because you know, as I said in my introduction video also, कि I was raised in a village in Rajasthan. My family is restrictive Rajpurohit family, you know. So वहाँ पे ये चीज़ expect करना कि they will understand with no obligation or you know objection would be too much to expect. तो वहाँ से यहाँ का एकदम बहुत ही लंबा ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है जो कि ग्रेजुअली बदला है समय के साथ में. और ऑफ कोर्स आई हैव सीन वेरी डिफिकल्ट टाइम्स, वेदर इट कम्स टू माय पर्सनल रिलेशनशिप विद फैमिली, वेदर इट कम्स टू माय पर्सनल मेडिकल ट्रांजिशनिंग जर्नी, यू नो देयर सो मेनी अप्स एंड डाउन, एंड ऑल्सो वेदर इट कम्स टू माय फाइनेंशियल जर्नी, यू नो इन तीनों चीज़ों को मैंने लगातार फेस करते हुए आगे बढ़ी हूँ मैं. और यू हैव टू काइंड ऑफ फाइंड योर स्ट्रेंथ when you're dealing with all these things, you know. And as I said before, ki like seeing people like me on screen kind of gave me some sort of strength, you know, some sense of validation. You know, you need that kind of validation. When I was very young, aaspaas mein koi aisa evidence nahi tha ki main apne aap ko feel kar paun ki haan, this my story exists, what I'm feeling, mujhe jaisa feel ho raha hai, you know, wo koi aur bhi feel karta hai. पर धीरे 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 समय के साथ में जब चेंज होता है, आई टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट द सेम एंड उनका रिएक्शन ऑब्वियसली वो बिल्कुल समझ नहीं पाए थे पहली बार में, तो जब मैंने कम आउट किया सबसे पहले. पर द थिंग इज कि मैंने अपनी तरफ से पूरा ऐसा प्रिपरेशन किया कि मैं उन्हें इस तरीके का एग्जाम्पल बताऊँ, इस तरीके की इंफॉर्मेशन उनके सामने प्रेजेंट करूँ जिससे उनको ऐसा नेगेटिव पर्सपेक्टिव ना लगे मेरे बारे में. क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न माता पिता के दिमाग में यही होता है कि अच्छा आप ट्रांस आइडेंटिफाई कर रहे हो, इसका मतलब आप सड़कों पर जाने वाले हो, अभी आप प्रोस्टिट्यूट करने वाले हो. यही था मेजॉरिटी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन. एंड मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, जो जो किन्नर समुदाय से भी हैं उनकी भी मजबूरी होती है, वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, वो यू नो लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ फैमिली एनवायरमेंट, सो मेनी थिंग्स आर लैक ऑफ ऑप्शंस, एग्जैक्ट लैक ऑफ ऑप्शंस एंड चॉइसेस. You know, so और जिस तरह से किंडर कम्युनिटी को सेक्सुअलाइज किया जाता है, जिस तरह से मर्द उनको भोग वस्तु मानते हैं या उनको पार्टी की वस्तु मानते हैं, वो हमने जो रिसर्च किया और जो आपकी कहानी में है, जो कहानी और लाइफ के बीच में जो एक यू नो
जुड़ गया. Yeah, kind of like even while playing Kullu, I could see some flashbacks so many times. So many of the things were very much similar. कि यार this something like this has happened with me and has happened with majority of girls like me. You know. So it's just a difficult journey, but it's just like I feel like I'm a phoenix. You know, I'm rising from a phoenix because now I feel like I've been through worse. So. And then she rose like a phoenix from the ashes. तो क्या था वो दौर जो आप बोल रहे हैं, पेरेंट्स से बात करना, उनको समझाना? Could you little elaborate in detail? और फिर वहां से वो कन्विंस हुए नहीं हुए, आज उनके साथ आपका रिश्ता क्या है? देखो मैं उनको भी, अगर आपके माता पिता भी अगर आपको एकदम अचानक से एक्सेप्ट ना करें, मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि इट्स नॉट इवन अबाउट एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस. एवरीबॉडी टेक्स देयर ओन टाइम टू अंडरस्टैंड समथिंग. उनका एक्सपीरियंस भी वैलिड है. वो जिस जनरेशन से आ रहे हैं, जो उनकी अपब्रिंगिंग रही है, कंडीशनिंग रही है, उसी के अकॉर्डिंग वो सोचते हैं और समझते हैं. और यू ऑल्सो हैव टू अलाउ योर पेरेंट्स अ टाइम टू अंडरस्टैंड दिस एंड एक्सेप्ट दिस एंड यू नो वी कॉम्प्रिहेंड दिस थिंग. सो शुरुआत में ऐसा था कि उन्हें समझ में नहीं आया था, पर मैं एक्चुअली शुरुआत में बहुत फेमिनिन भी थी तो उन्हें थोड़ा बहुत डाउट था, पर पूरी तरीके से अग्रीमेंट नहीं था क्योंकि ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज के बारे में बात हो रही थी, यू नो. सो पर धीरे 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 टाइम के साथ में आई यूज टू प्रेजेंट देम विद राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेडिकल ट्रांसजेंडर जर्नी. जो लोग हैं ट्रांस कम्युनिटी से, वो जो जॉब कर रहे हैं या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डिग्निटी के साथ में रह रहे हैं, मैंने उनका एग्जाम्पल बताया और समझाया. और धीरे 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 जब मैंने मेडिकल ट्रांजिशनिंग शुरू किया, उन्होंने मेरे बिहेवियर में चेंजेस देखे. आई बिकेम अ वेरी डिफरेंट पर्सन. आई यूज टू फील लाइक आई वाज रियली कंस्ट्रेंड, आई वाज ट्रैप्ड, यू नो. एंड इट्स सो हार्ड टू डिस्क्राइब दैट फीलिंग. यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड, इवन इफ आई बिगिन टू एक्सप्लेन दिस, एंड आई डोंट इवन एक्सपेक्ट एनीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस एक्सेप्ट फॉर एनीबॉडी हू इज ट्रांस. But to see that change within myself, within my body, it made me alive. It made me so happy. And when my parents saw that change in me, they started to feel proud of me. They started to see that positive change. And samay ke saath mein, you know, it changes. You just have to allow them time and have the right communication with them. तो अभी सब ठीक है उनके साथ? बिल्कुल. And my mom is very proud of me. She puts stories on her WhatsApp status all the time. Yeah. You know, and my distant relatives also replies to all of her stories. So बहुत चेंज आया. पहले क्या था, पहले बहुत, जब मैंने कहा कि बहुत गंदी गंदी बातें आती थी बाहर, क्या क्या नहीं बोलते थे, ये तो इसमें जमात में जाएंगी, ये तो ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ सुनने को मिला है. वही लोग आज मतलब की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं. यकीन मत करना उनका. I will always remember this advice. Yes. पर थोड़ा सा नमक साथ में लेके चलो. Good advice. Yeah, समय. परितोष, tell us about yourself. I mean, I would like to say कि when I got on board, Bonita helped me a hell lot with the character's journey as well. And जो Bonita है real life में. She has a glimpses of Noor. So it is yeah. Noor on screen. So she helped me a lot with that particular character. ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता. This must have happened. Yes, yes. That's yes. very good to know. Yes, because whatever she just spoke right now, we had like long, long hours of conversation about each and everything about her journey. And because Bonita as Bonita or Noor की story बहुत ही मिलती जुलती है. In real, so trying to connect. So I'm trying to take as much as possible. Iske songs ka playlist, the sass, everything was like, well, I was taking it as much as possible. The terms also, I wasn't aware of the terms also. Like, duh, ye kya hota hai? Then she tried to explain it to me and each and every step. So I think a lot of Noor has to do with Bonita. And she helped me a lot with the journey as well. So yeah, that's. But मेरे ख्याल से परितोष को सबसे बड़ी problem ये आई कि परितोष हमारे लिए एक last moment panic choice थे. क्योंकि मैं सोच रहा था कि नूर की story में भी मैं किसी transgender औरत को cast करूँ. लेकिन हमारी फिल्म का जो बैकग्राउंड, जो बनने का जो बैकग्राउंड है, वो हमारी फिल्म की कहानी बन गई.
हमारी फिल्म में हम देख रहे हैं कि जब भी आप अपने जेंडर को कुछ और नजरिए से देखते हो तो सबसे पहले धक्का और वायलेंस आता है सोसाइटी से कि तुम ऐसे नहीं कर सकते। तो जब हमने कहा कि हम दो ट्रांसजेंडर रखेंगे फिल्म में तो एक फाइनेंशियल लॉजिक सामने आ गया कि सर थोड़ी निश फिल्म बन जाएगी, सर दो ट्रांसजेंडर होंगे एक फिल्म में ना, तो सर वो थोड़ी सी ट्रांसजेंडर वाली फिल्म बन जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं, कमर्शियल फिल्म है, एलएसडी है, एक ट्रांसजेंडर है उसको दिखा के हम अपनी वोक बंदी दिखा रहे हैं और बाकी जो ये है क्या कहते हैं इनको दिखाने कितने अच्छे एक्टर हैं, मेल हो के उन्होंने फीमेल की एक्टिंग की है, तो ये टॉक पॉइंट बन जाता है। लेकिन अगर दो ट्रांसजेंडर होते तो फिल्म कम्युनिटी में और यहाँ पे जू वर्सोमा में जहाँ पे फिल्में बनती यहाँ पे बन जाती, हाँ थोड़ी सी कुछ ट्रांसजेंडर पे फिल्म बना रहा है, कुछ वो थॉटफुल फिल्म बना रहा है, कुछ है तो उसमें मसाला नहीं रहता, समझे ना। तो अभी एक ट्रांसजेंडर है तो ये मसाला है, अब हम सब जानने की कोशिश कर रहे हैं, और एक मर्द है जो औरत की एक्टिंग कर रहा है वो मसाला है। अब आप कोई मर्द से पूछे कि तूने वो वाली एक्टिंग, एक तो तू औरत है दूसरा तू ट्रांसजेंडर है, इसका मतलब तेरे अंदर एक मेल पास्ट है, फिर एक डिस्फोरिया है, फिर एक ट्रांजिशनल पास्ट है, फिर एक करंट है जहां पर अपनी माँ को बता रही है कि मेरा आर्टिफिशियल वजाइना कैसे बना रहे हैं सर्जन, माँ सुन के माँ चाय का कप पी रही थी, मैंने चाय का कप डर के मारे रख दिया, कि जिसको वो बेटा जानती है वो बता रहा है कि मेरा वजाइना कैसे बनेगा, तो ये इवन वी डोंट नो हाउ वी हैव डिड द फैमिली ऑब्जेक्ट व्हेन यू टोल्ड देम दैट यू आर डूइंग दिस फिल्म। आई वाज अबाउट टू कम टू दैट। अभी जैसे इन्होंने बोला कि इनकी मम्मी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रही है, मेरी मम्मी और आई थिंक इनकी मम्मी भी डाल रही होगी, मैंने जब जब टीजर दिखाया ना तो व्हेन द टीजर केम आई लाइक I was like, अरे क्या क्या क्या, then my mother started calling me and literally honestly speaking I was afraid कि you know what would the reaction be because जब मैं कर रहा था I just did it, आपने उनको बताया नहीं क्या है, but then जब मम्मी फोन की मैंने टीजर देखा, she's like you're looking so beautiful, you're looking so nice, you know, and उनको बहुत अच्छा लगा, and I mean that was that's the thing which mattered the most to me, लाइक बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइक शी इज लाइक, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग जब बाकी लोग अराउंड देखे थे लाइक अरे क्या, ऐसे वैसे भी रिएक्शंस आ रहे थे मम्मी को, मम्मी बोली भाड़ में जाओ तुम लोग, मैं जा रही हूँ अपने बेटे का। ये फैमिली के कुछ लोग होंगे क्या डाल रहे हो ग्रुप पे, हटा दो एंड ऑल, बट माय मदर लाइक भाड़ में जाओ तुम लोग, आई एम गोइंग टू वॉच द फिल्म, फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री, बाकी नथिंग एल्स मैटर्स टू मी, सो या। सो देन दैट, फिर जब कास्टिंग आती है तो फिर बोलते हैं कि अच्छा ड्रैग में होगा, ड्रैग क्वीन होगा, क्या होगा, ये वाले भी मतलब गलत फहमियां रहती हैं जब कोई मर्द एक्टिंग करता है औरत की, तो इमीडिएटली यू टेक इट टुवर्ड्स अ ड्रैग क्वीन रोल और दिस फिल्म, या एंड यू कांट इवन बिगिन टू अंडरस्टैंड, थैंक गॉड वनिता इज हियर, कम से कम एक ट्रांसजेंडर तो है, यू नो इट्स लिटरली एज बिजार लाइक दैट, कि हम जिस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस जेंडर इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम जिस जेंडर पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, और जो फिल्म में दिख रहा है वो हमारे साथ लाइफ में हो रहा था ड्यूरिंग कास्टिंग। Abhinav, wild gamer on YouTube, what is all that? And आप और ये क्या कर रहे हो? आप gay हो या straight हो? ये मैं नहीं हूँ। So starting with that, gamer and YouTuber, इसमें journey ऐसी थी कि मैं ज़्यादा follow नहीं करता था इन सभी लोगों को। ना YouTube पे मैं ज़्यादा videos वगैरह देखता था, और ना ही मैं games खेलता था, मैं ज़्यादातर outdoor games खेलना पसंद करता था। As I was like an athlete before turning up to become an actor. So, it was different. It was really different. Like in the start, मैं वो जब हम workshops कर रहे थे शुरुआत में तो मैं वो मज़े नहीं ले पा रहा था, मैं उस तरह से कर नहीं पा रहा था क्योंकि मैं relate ही नहीं कर पा रहा था इस character को अपने आप से. It was very contrasting for me, but great opportunity. Yes, for me. So tell me, how would you describe the film now, taking these three as your focal points? I think basically. मेरे दिमाग में एक जो मेटाफर आ रहा है कि एन अनकंट्रोलेबल एनिमल, क्योंकि जब प्रतीक वत्स शुभम और मैं, हम जब यू नो कहानी को लिखने बैठे,
कहीं और से जाके कहीं और होके कहीं और घूम के फिर ये कहानी बनी, और करीब एक साल लगा कहानी को लिखने में, तीन कहानियां लाइक लास्ट टाइम. सो मतलब बहुत बहुत जर्नी हुई और बहुत आगे पीछे हुआ. एंड एक चीज पता चला कि मैं जो भी जेंडर के बारे में सोचता हूं वो सिर्फ मेरा ही सोचना है. दैट्स माई ओन थिंकिंग. ऐसा नहीं है कि दैट इज द थिंकिंग ऑफ द वर्ल्ड. लोग कुछ और ही सोच रहे हैं, तुम कुछ और सोच रहे हो. एंड द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन योर जेंडर इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट. मैं मेल हूं, मैं स्ट्रेट हूं, लेकिन उसका क्या लिव्ड एक्सपीरियंस है वो एकदम अलग है किसी और स्ट्रेट मेल के साथ. मैं किस रेंज में जा रहा हूं, मुझे कोई लड़का अच्छा लगता है या लड़की अच्छी लगती है, वो अच्छा लगना किसी और के अच्छे लगने से बिल्कुल अलग है. तो कौन सी वाली जो कहानी आए हमारी फिल्म में जिसमें हम जेंडर और पावर का इक्वेशन ठीक से दिखाएं, वो हम ढूंढ रहे थे. तो काफी तेल निकला एक्चुअली कहानी बनाने में. तो दैट इज देयर प्लस वर्कशॉपिंग विद दीज गाइज एंड देन वर्किंग विद देम टू चेंज द कैरेक्टर्स अ बिट सो दैट यू नो दे द एक्टर एंड द कैरेक्टर काइंड ऑफ जॉइंट मर्ज टुगेदर. वो भी काफी. बट आपके पास ये भी ऑप्शंस थे कि आप पार्ट वन के एक्टर्स कुछ रिपीट करें? नहीं, एकदम कभी नहीं ऑप्शन था वो. कभी नहीं, नहीं मतलब आप कर सकते थे चाहो. शुरू शुरू में कभी कभी कुछ बातें भी होती थी, लेकिन जिस तरह से कहानियां गईं वो नहीं हो सकता था, वो पॉसिबल नहीं हो सकता था. और एलएसडी 2 मेरे ख्याल से एलएसडी एक ऐसा फ्रेंचाइज है कि मेरे ख्याल से इसकी खूबी या इसका अलगपन यही है कि हम अपनी गरीबी सामने लेके आते हैं. हम प्रिटेंड नहीं करते कि हम बहुत बड़े फिल्म है और ये एक्टर है और ये स्टार है और बड़ी बड़ी गाड़ियों में अच्छे अच्छे कपड़े में प्रीमियर हो रहा है, ये हो रहा है, वो ये मरते मरते एक लड़ते लड़ते कुछ फिल्म बन गई और वो हम बना रहे हैं. तो मेरे हिसाब से ये जो कैरेक्टर है एलएसडी का यही करेक्ट है. और हम सब सस्ते, मैं सस्ता डायरेक्टर हूँ, ये सस्ता एक्टर है, ये सस्ती एक्ट्रेस है, ये सस्ता एक्टर है, हम सब सस्ते तरीकों से फिल्म को मार्केट कर रहे हैं. कुछ पैसे नहीं खर्च हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ यू नो इंटरनेट पे जा रहा है. फिल्म अभी एक हफ्ते में रिलीज करने वाली है, ट्रेलर टीजर अभी दो दिन पहले निकला है. तो ये जो एक सस्तेपन का जो एक एहसास है और एक एहसास के हम साइड में, हम मार्जिन्स में, मेरे ख्याल से एलएसडी 2 की स्ट्रेंथ यही है. हम मार्जिनल हैं, ये मार्जिनल है, इसका कैरेक्टर मार्जिनल है, इसके कैरेक्टर को मार्जिनलाइज करा जा रहा है. एलएसडी खुद एक मार्जिनल फिल्म है, हम हाशिए पे बैठे हुए हैं. इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आपने कुछ लिए, आपने कुछ स्टोरीज जो लाइफ में देखी हो, सुनी हो, जैसे आप कह रहे थे व्हेन यू सिट विद योर यंगस्टर्स इन द फैमिली. बिल्कुल बिल्कुल. कैन यू टेल अस सम? या एक कहानी है कुलू की, बोनिता की. और ये कहानी बेसिकली प्रतीक जो हमारे राइटर थे वो हमारे पास लाए थे. उन्होंने कहा था कि एक कुछ रियल इंसिडेंट हुआ था. एक कंपनी ने कुछ ट्रांसजेंडर लोगों को हायर किया और उनको हायर करके थोड़े दिन बाद वो ट्रांसजेंडर छोड़ के चल जाने लगे. तो जब रिसर्च किया और पता चला कि क्यों छोड़ के जा रहे हैं, उसके पीछे बहुत सिंपल कारण था. जहां पे इनका ऑफिस था और जहां पे इनको क्वार्टर दिया था वो 2 घंटे दूर था. और अगर ड्यूटी पे टाइम पे आना है और अगर ऑफिस के पास कोई रूम लेना है तो इनको 3 गुना ज्यादा किराया देना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांसजेंडर है. बहुत सिंपल चॉइस है, बहुत सिंपल सर्कमस्टेंस है कि 2 घंटा मैं मेट्रो में बैठ के या गाड़ी में बैठ के आऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, फिर पैसे कटेंगे. लेकिन टाइम पे आना हो तो 3 गुना किराया देना पड़ेगा. अब 3 गुना किराया मैं कैसे दूं और अपनी नौकरी कैसे करूं और खाने के लिए दाल रोटी के पैसे कहां रहे, वो एक रियल इंसिडेंट है विच इंस्पायर्ड सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हर स्टोरी. मोनिता, अभी रियल लाइफ में अकोमोडेशन में प्रॉब्लम आया है कि बिल्डिंग ने रिजेक्ट कर दिया? आजकल तो बिल्डिंग्स छोटी छोटी बातों पे कहती है. बिल्कुल व्हाट्सएप का बड़ा अच्छा रहा है आजकल तो. मोनिता सोचिए क्या क्या बताऊं.
अभी देखो फिलहाल अभी मैं अपनी बहनों के साथ में रहती हूँ वडोदरा में, एंड आई चेंज फ्लैट 2-3 बार हमने फ्लैट चेंज किया. तो टू बी ऑनेस्ट बिकॉज आई लिव विद माई सिस्टर्स कभी कुछ उठा नहीं है, माई लीगल डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो चेंज्ड. सो आई डोंट नो वेदर दे नो और वेदर दे डोंट नो, दे माइट इवन नो और दे माइट नॉट नो, आई डोंट नो अबाउट दैट. सो इट हैज बीन लाइक आई अभी अभी भी मैं एक फ्लैट में रहती हूँ, इट्स फुल ऑफ सोसाइटी, फैमिलीज लिव देयर, सिक्योरिटी गार्ड इज देयर. So it's been like a journey. I do remember one time when I was jab main Gurgaon mein thi aur khud job kar rahi thi PRP company mein I was working, and you had transitioned by then. Yeah, I had transitioned, but I was in the early stage of my transitioning, and I got the job, and the owner was like, you know, oh you to you're to I'll call her, this is the salary. And you'll to figure out the things. She was like, you know, you'll to will give find you space, and then there was no space when I went there. So I had to work in the company for like 8 hours, 6 hours between that. And then in the night I would have to go out for hunting flats. Look for the flat and flatmates groups, you know, or brokers se dhoondna, contact dhoondna. So it has been really traumatic journey during that time, because वो लोग मिलेंगे एंड देन सम पीपल वुड नॉट नो देयर ट्रांस एंड देन इट वुड कम आउट एज अ सरप्राइज एंड दे वुड नो दे विल टेल मी कि इट्स आउट अभी अवेलेबल नहीं है फ्लैट, यू नो, सो कोई ना कोई बहाना बना दे. या इट वाज क्रेजी एंड देन आल्सो द जॉब दैट आई गॉट वाज आल्सो इन अ वे कि ओ शी हैज टू सीन वर्स सो शी विल डील विद दिस, यू नो, लाइक शी हैज सीन वर्स एंड द इवन द एटीट्यूड दैट आई इवन द ट्रीटमेंट दैट आई गॉट दैट वाज रियली बैड एंड आई फेल्ट लाइक इट इज बिकॉज़ आई एम ट्रांस. Is it getting better by the day? It is getting better by the day. And fortunately, even in Gurgaon, after the tough ride, I found an amazing guy living in a flat. So there were two guys living in the flat. And I asked him, I want to come and check the place. I saw the place and I told him, the thing is, you guys, and I'm a trans woman. So is that fine? And then he was so nice towards me. He's like, I don't care. You pay the rent on time. Yes. And like, cool, we'll chill and we'll hang out or whatever. Like, you do you thing, I'll do you my thing. We just, ye vacant room mein, tum yahan pe apna saman leke, you'd stay here. And that's all. And we had a great bonding. He was one of the greatest friends. We have a pure friendship relationship, you know, flatmates kind of relationship. So I'm not saying it's all bad. It's just ki like, with time, you also find... I think sort of young, the moment you go to younger people... It's not that bad. Yeah, exactly. ये अंकल आंटी बहुत परेशान करते हैं. अंकल आंटी लोग बहुत बहुत मतलब अंदर से ना बहुत सड़े हुए और बहुत ही मतलब गुस्से में, उनकी अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, उनकी अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, उनका अपना सारा जो कालापन है वो सामने कोई अगर अपनी जिंदगी जी रहा है और वो मजे ले रहा है, उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है कि मैंने मजे नहीं लिए, तुम कैसे मजे ले सकते हो. तो आपने ट्रांजिशन का फैसला कैसे किया, मतलब यू वांट टू अंडरगो दिस चेंज नाउ टू अ वुमन? आई थिंक आई सॉ अ शो ऑन डिस्कवरी एंड दैट्स व्हेन आई एक्चुअली एक्सप्लोर्ड द आइडिया ऑफ मेडिकली ट्रांजिशनिंग. और तब मुझे पता चला था कि ओ माय गॉड, लाइक दिस इज रियल, व्हाट डू आई फील कर रही, दैट्स एक्चुअली रियल एंड देयर इज अ थिंग फॉर दैट, लाइक दैट्स सच अ journey, medical journey for that. And to me, it was never a question in my mind whether I want to do it or not. I knew I had to do it because the feeling of dysphoria is living with me throughout, and it's really hard to explain again. Yeah. So, you know, like I knew I had to do this. So it's more like a personal decision, instinct. Abhinav, ye role tough laga aapko kuch, matlab why aapki language जो पिक्चर में है, he had no reference, पहले पहला ही रोल था और पहले में ही हमने उसको अंगीठी में डाल झूम दिया. ऐसे रियल लाइफ में आप ऐसे बात करते हो कभी फ्रेंड्स के साथ या? नहीं, बहुत ज्यादा बहुत सीधा लड़का पकड़ लिया हमने. कंट्रास्ट और इसकी मतलब इसकी एक मतलब डायलॉग में अगर 4 शब्द होंगे उसमें से 3 गालियां होंगी और 1 सर्वनाम या कोई वर्ब होगा, तो ऐसा कैरेक्टर है ये अपनी फिल्म में मतलब. रियल लाइफ में मतलब बिल्कुल डिफरेंट हूँ मैं. लाइक मैंने पहले कहा टफ था इसलिए क्योंकि रिसर्च भी करनी पड़ी, एक्सपीरियंस भी करना पड़ा उस चीज़ को, और
हाँ यही चीज़ तो मतलब सबसे ज़्यादा टफ थी कि पहली बात तो दिमाग में ये था कि दिवाकर सर के साथ करना इतनी बड़ी फिल्म है, ये बात तो सबसे पहले लोग बोलते थे कि यार दिवाकर वैसे ही फिल्म कर रहे हो आप जाकर के क्या बोला मेकअप वाले ने वो उसने उन्होंने हाँ एक मेकअप वाले अंकल रहते हैं हमारे बिल्डिंग में, उन्होंने कहा था कि दिवाकर बनर्जी का फिल्म है 15-20 घंटे का तो शिफ्ट आराम से हुआ, उससे कम कुछ नहीं होता। और कितने घंटे का रहा बोल दो एक दिन तो 24 घंटे एक दिन 24 घंटे का शिफ्ट था। वो इसलिए कि पैसे नहीं होते तो जल्दी जल्दी करना पड़ता, तो बट 24 घंटे में भी बहुत मजा आता था, ऐसा नहीं लगता था 24 घंटे गुजर गए। नो ही विल टेक रीटेक्स अंटिल ही सैटिस्फाइड। और इसके लंबे लंबे टेक्स है विच वी कांट कट बिकॉज ही इज अ व्लॉगर, ही इज एन इन्फ्लुएंसर, वो बैठ के लाइव कर रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है, तो लाइव स्ट्रीमिंग में कट आ ही नहीं सकता, तो वो भी बहुत मतलब। नो बट यू गाइस आर लकी, यू आर वर्किंग विद अ ट्रू डायरेक्टर। सो दिवाकर जी इसमें मौनी रॉय, उर्फी जावेद, ये तुषार, अनु मलिक, ये सब क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा कि आजकल टाइम बदल गया है और वैसे भी कोई फिल्म थिएटर में आके देखने की कोशिश तो करता नहीं है जब तक ना उसमें बड़े बड़े स्टार्स हों और बहुत बड़ा बड़े VFX हों या बहुत बड़ी बड़ी कहानी हो। पहली ट्रेलर में ही बता दिया जाता है कि ये एक बहुत बड़ी फिल्म है, आपको जरूर आके देखना चाहिए। अब हम ट्रेलर में अगर लिख भी दें कि LSD 2 एक बहुत बड़ी फिल्म है तो लोग हंसेंगे क्योंकि सबको पता है कि बड़ी तो है नहीं, छोटी फिल्म है। तो हमने कहा कि क्या करें, थोड़ा ग्लैमर वैमर लाएं। तो द रियल थिंग वॉज दैट नूर की कहानी में हम एक रियलिटी शो दिखा, और रियलिटी शो में जो जजेस जो होते हैं सेलिब्रिटी, तो मेरे दिमाग में ये था कि, और ये भी हो भी रहा है, जो भी फिल्म देख रहा है वो बोल रहा है कि ये रियलिटी शो कौन से चैनल पे चल रहा है, हमने नहीं देखा। सो द रियलिटी शो हैड टू हैव अ सेंस ऑफ दैट बिजार रियलिटी दैट रियलिटी शोज दैट शॉक वैल्यू, तो उसमें वो एक्चुअल सेलिब्रिटी जजेस लेते हैं। सो दैट्स व्हाई वी वेंट टू सेलिब्रिटीज हु एक्चुअली लाइक यू नो अनु मलिक हैज डन सो मेनी यू नो शोज एज अ जज। So when I went and spoke to him, पहले तो वो हंसे काफ़ी देर तक हंसे, मैंने कहा यार, मैंने कहा दिवाकर, मैंने कहा था तो म्यूजिक के लिए आएगा, तो इसके लिए आएगा, मेरे को नहीं पता था। सो बट अल्टीमेटली ही हैड ग्रेट फन। देन सोफी चौधरी, आई वॉज अमेज्ड, शी वॉज लाइक अमेजिंग, शी जस्ट कम्प्लीटली एंजॉयड इट। उर्फी, बिकॉज उर्फी का जो वर्चुअल अवतार है वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो सामने से चैलेंज करती हैं पूरी जो अंकलों की जमात है पूरी अंकलों की जमात को सबके सामने वो ठेंगा दिखाती है, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे अंकलों की जमात से बहुत मतलब गुस्सा है, बहुत परहेज है उनसे, काफी जिंदगियों में वो मतलब यू नो जहर घोलते हैं। तो उर्फी इज लाइक द एग्जैक्ट यू नो पर्सोनिफिकेशन ऑफ एंटी अंकल। तो द वे शी ड्रेसेस, the way she exposes, the way she hides her attitude, तो मैंने उर्फी से एक मीटिंग करी, मैंने कहा यार उर्फी मेरे को ये सब बहुत अच्छा लगता है, और उर्फी की बातों से लगा कि कभी उर्फी को ये बातें किसी ने बोली नहीं। तो उर्फी से के यार आप ऐसे बोल रहे हो तो मैं I'm on, so that she was waiting for a movie. I remember talking to her, she said मुझे कोई कास्ट नहीं करता। हाँ क्योंकि वो चैलेंजिंग है ना, वो सामने से चैलेंज करती है, लेकिन this was a guest appearance, I mean I'm sure Urfi will go to a lead role or something like that, but Urfi ki personality as Urfi wo mere ko bahut achhi lagti hai. Or then we had this scene and pata nahi Urfi ko us din dimag mein unke kya tha, the way she did that scene, you know, where you know it's a long scene, ek bhi cut nahi hai, and Urfi is just tripping, so that scene is worth seeing. So and that's why I'm happy because I could see in Urfi that she can trip. तो वो हमारा एक सीन है जिसमें ये लोग बैठ के ये और उर्फी इन्फ्लुएंसर्स का ना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स का कुछ हाई फाई कुछ पार्टी चल रही है, दारू शारू बहुत कुछ चल रहा है, म्यूजिक श्यूजिक चल रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई चला गया है, यू नो, और उसमें उर्फी ट्रिपिंग, सो आई लव दैट सीन, सो वो बड़ा मजा आया। सो एंड तुषार वॉज वेरी स्वीट, मैंने एक तक जगह कहा कि यार मुझे तीसरा जज ना जो कैरेक्टर चाहिए वो मिल नहीं रहा है, मेरे को एक बहुत शांत सौम्य एक अच्छा जज चाहिए, क्योंकि जजेस की भी कास्टिंग होती है, एक झगड़ालू होता है, एक सेक्सी होती है,
और एक होता है जो बीच में सबके साथ मैत्री बना के रखता है और समझाता है। तो मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसा चाहिए जो शांत हो। तुषार, सो आई इमीडिएटली कॉल्ड अप एंड तुषार वेरी वेरी ग्रेशियसली सर यार मैं कर लेता हूँ तुम्हारे लिए। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। आई एम टेम्प्टेड टू आस्क यू दिवाकर टुवर्ड्स द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, हैव यू बीन अ रिबेल सिंस चाइल्डहुड? बिकॉज यू लव दिस, यू नो, ड्यूरिंग दिस होल टॉक यू हैव बीन सेइंग uncles and aunties come and spoil the party, that's what you're trying to probably rebel say. rebel ka pata nahi. Ha, I've been a closet rebel. Main upar se bachpan mein sabko dikhata tha main bada acha bachcha hu. Fir 10th class ke baad kuch ho gaya, 11th matlab 10th class mein main 10th class tak main class mein pehle 4 bandon mein hota tha, ranking hoti thi. 10th se jab main 11th gaya to meri ranking first 5-6 mein se 37 चली गई। ऐसा क्या हो गया? इन अ क्लास ऑफ 40। ऐसा क्या हो गया? मेरे को, मुझे पता चल गया कि इसमें कुछ है नहीं, मेरे लिए कुछ है नहीं, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं दूसरों को खुश कर रहा हूँ और अपने आप को नाखुश कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाड़ में जाए, तो आई थिंक दैट हैपेंड। दूसरी बात ये है कि आई हेट बुलीज एंड आई हेट समबडी मिसयूजिंग देयर पावर, जो हर वक्त होता है, हर वक्त होता है। आप अभी घर से निकलोगे, यहां से निकलोगे, आप अभी जाओगे कहीं, यू विल सी समबडी मिसयूजिंग देयर पावर। तो दैट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, यू मीन सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, सेंस ऑफ पावर, और अभी मेरे पास पावर है, अभी इसको दबा दूं, तो वो सब चलता रहता है। आई कांट स्टैंड इट, वो मेरे, यू नो, बायोलॉजिकली आई एम काइंड ऑफ अगेंस्ट इट, सो प्रोबेबली दैट्स व्हाट इट इज। आई हेट बुलीज एंड आई हेट पावर मॉन्गर्स एंड आई हेट पीपल हु मिसयूज देयर पावर। You have a great equation with Ekta. I'm sure she had a lot of inputs and in the story. Complex equation with Ekta. Ekta and I, we are like, ऐसा moment गया कि हम, हमारी शक्लें ऐसी हैं, we are screaming at each other. And Ekta is saying, no sir, you will not do this. And I said, I will do this and all that. ये सब भी हुआ है. LSD2 बना. One में भी हुआ. One में मेरे को याद ही नहीं यार one में क्या हुआ. One में जरूर हुआ होगा. मेरे को अभी आप पूछ रहे हो, अभी याद आ रहा है. कितने पहली बार देखा था जब मैंने एक उसको एक डेमो दिया था फिल्म पर, ये कैमरा विल शेक सो मच, सो शी वाज रियली वरीड अबाउट इट। सो मेरे को अभी के, मतलब अभी LSD2 याद है, LSD1 आई हैव फॉरगॉटन। सो आई हैव अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वेयर, एंड इट्स गॉट टू बी कॉम्प्लेक्स, शी इज पुटिंग द मनी, आई एम मेकिंग द क्रिएटिव, इट्स टुडे, इट्स 2024 थिएट्रिकल। वो बंदा पैसे लगा के थिएट्रिकल रिलीज करने के लिए वो खड़ा हुआ है फिल्म के पीछे, लेकिन वो बंदा हजारों दूसरी प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहा है जो आजकल थिएट्रिकल रिलीज करने के टाइम में होती हैं। वो टेंशन, मेरा टेंशन कि मेरी फिल्म ना खराब हो जाए, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को वैसा करना है, ये वो। तो इट्स बीन अ क्रेजी राइड, एब्सोल्युटली क्रेजी राइड। या बट शी इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव, सो देयर मस्ट हैव बीन सम इनपुट्स फ्रॉम हर ऑन द स्टोरी, यू नो, यू डोंट हैव वर्ड्स, आई मीन शी इज रियली आउट देयर सपोर्टिंग द फिल्म। Thank you, Dibhakar. Thank you. Thank you, each one of you. It's been lovely talking to you.